अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज ए टैक्सी ड्राइवर कर सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, नेपाल में ड्राइविंग लाइसेंस है, टैक्सी ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। वाजवा रेस्टोरेंट पे गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, आगे कर दिया, आ चुके हैं। दाल चना फ्राई मुझे अच्छी लगी है, मैंने काजू ऑर्डर करके जी। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं स्ट्रेट मंगत की तरफ। बीच क्रॉस कर रहे हैं, मेरी लेफ्ट साइड पे बीच है, समुंदर है, और राइट साइड पे ये बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है।
जी तो फ्रेंड्स, फिंतास के करीब पहुंच चुके हैं हम। फिंतास से आगे महबूला, उसके बाद मंगफ। मंगफ हमने स्टे करना है, तो मंगफ तक हम गाड़ी भगा के ले जा रहे हैं। मज़ीद 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। महबूला का फ्लाईओवर आ गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये साइन बोर्ड भी रीका महबूला। स्पीड है यहाँ, 120 अलाउड है और 120 पे ही जा रहे हैं हम। अबू हलीफा क्रॉस कर गए हम। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते रहिए वीडियो आपको कैसी लग रही है, कुवैत के बारे में अपनी राय दीजिए, कुवैत कैसी कंट्री है। आई होप ऑलमोस्ट मैंने आपको आज 70% कुवैत विज़िट करा दिया है। यही कुछ कुवैत है फ्रेंड्स, इसके बाद जो रह जाता है सिटी है इसका। सिटी में ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में एक्सप्लोर कर, सिटी देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं। से गाड़ी राइड कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से अब ऊपर राउंड बोर्ड से होके लेफ्ट साइड पे निकलना है। जैसे आप साइन बोर्ड देख लिया होगा आपने मंगफ का, तो हम जा रहे हैं अब मंगफ। मंगफ भी एक रेजिडेंशियल एरिया, छोटी सी सिटी है। गाड़ी का रुख है मंगफ की तरफ, तो आगे खड़ी है पुलिस की गाड़ी भी, तो मोबाइल में नीचे आते हैं। राउंड बोर्ड पे आ गया हूँ मैं। राउंड बोर्ड से अब हमें अगेन राइट निकलना है यहाँ से, गाड़ियों के आगे से होते हुए। फ्रेंड्स यहाँ ड्राइविंग जो है लेफ्ट साइड है, तो आपको अपनी लेफ्ट साइड ही क्लियर करनी होगी। राइट साइड से आने वाली गाड़ियाँ खुद आपको रास्ता देंगी। ट्रैफिक का सिस्टम यहाँ काफ़ी अच्छा है, कोई इतनी दिक्कत नहीं आती गाड़ी ड्राइव करने में। यहाँ से निकलेंगे अब इस तरफ। जाते हुए हम सीधे राउंड बोर्ड पे जाएंगे, इस राउंड बोर्ड से हम निकल जाएंगे लेफ्ट साइड पे। चलें ये तो हम ये निकल आए हैं लेफ्ट साइड पे। ये कमर्शियल एरिया सारा मंगफ का, इसको हम एक साइड पे छोड़ते हुए निकलेंगे आगे।
बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट के। बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है यह, एक पाकिस्तानी, तो मैं उसकी तरफ आया हूँ कि खाना वहाँ चल के खाएंगे, क्योंकि तो रास्ते में बड़े रेस्टोरेंट है, बड़ी जगह मैं छोड़ के आया हूँ, बट मैंने कहा नहीं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे चलते हैं आज, वी आर ऑलमोस्ट वेरी नियर टू आवर रेस्टोरेंट। देखें टोयोटा कैमरी टैक्सी में यूज हो रही है। अपना रेस्टोरेंट, वाह जी वाह, आई होप आप देख पा रहे होंगे, मतलब वाह जी वाह, अल खैर। ठीक है जी, अभी मैंने गाड़ी आगे पार्क करनी है, मैं गाड़ी लगा रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूँ वाह जी वाह रेस्टोरेंट पे, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, जैसे आप देख सकते हैं सामने रेस्टोरेंट, मैं आप चलता हूँ रेस्टोरेंट की तरफ, तो खाना शाना ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ का खाना किस तरह का है। खाना हमने ऑर्डर कर दिया, आ चुका है। दाल चना फ्राई मुझे अच्छी लगी है, मैंने काजू ऑर्डर करते हैं, मैंने फ्राई मंगवाई है। दाल रेस्टोरेंट का ओवरऑल व्यू है, चले फ्रेंड्स खाना शाना हो गया, तो अब गुड बाय वाजी वागो, यहाँ से हम निकलते हैं अब आगे, तो अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं फाइल। यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फाइल पहुँचने के लिए, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगेंगे और हम फाइल पहुँच जाएंगे। आपके साथ प्रोमिस है कि वीडियो को फाइल जाके एंड करना है, तो फाइल डेफिनेटली जाएंगे। अगर मैं इतनी गर्मी में फ्रेंड्स अपना प्रोमिस पूरा कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मंगफ है, मंगफ का एरिया जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। आपने सरप्राइज नहीं होना जगह जगह टैक्सियाँ देख के, क्योंकि टैक्सियाँ आपको हर तरफ यहाँ नज़र आएंगी। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज ए टैक्सी ड्राइवर कर सकते हैं, अगर आपके पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, नेपाल में ड्राइविंग लाइसेंस है, तो टैक्सी ड्राइवर के लिए वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं और पे भी अच्छी है, काम भी एसी के नीचे है, बट उसके लिए यहाँ के थोड़ी बहुत आपको लैंग्वेज सीखनी होगी। यहाँ की लैंग्वेज अगर आप बोल सकें, रोड्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, तो टैक्सी आप चला सकते हैं। बोर्ड से हम लेफ्ट निकलेंगे और फाहिल की तरफ चले जाएंगे, देखेंगे राइट साइड वाली गाड़ियां खुद ही रुकेंगी, क्योंकि उनको रास्ता देना पड़ेगा। यहाँ ड्राइविंग लेफ्ट साइड है, तो ड्राइवर ने जस्ट अपनी लेफ्ट साइड क्लियर करनी है, राइट साइड वो देखेगा भी नहीं। Thank you.
माशाल्लाह बड़ा लजीज था। बड़े दिनों के बाद मैंने दाल चना जो है फ्राई की हुई खाई है। दाल चना वैसे भी मेरी फेवरेट है, मैं बड़े शौक से खाता हूँ। तो आज मुझे नज़र आई तो मैंने कहा आज इसी को ऑर्डर करते हैं। ये हम सिग्नल पे आ गए हैं, इस सिग्नल से हम सीधे निकलेंगे, फाहिल आ जाएगा। लेफ्ट साइड निकलेंगे तो सीवीओ की तरफ चले जाएंगे, राइट निकलेंगे हम तो अहमदी की तरफ चले जाएंगे। ये स्ट्रीट नंबर 212 है जो सिग्नल के ऊपर है, बड़ी पॉपुलर स्ट्रीट है ये कुवैत में 212। चलो चलो सरकार है, चलो निकालो गाड़ी। कट ला भी जवान, कट ला कंट्रोल ला, चलेंगे। एक सिग्नल और हम क्रॉस करके आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच आए हैं, हमने अपना आज का टास्क ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। छोटी सी रोड है और देख लें थ्री लेन है। हमारे पाकिस्तान में जीटी रोड, इतनी बड़ी जीटी रोड है पंजाब में, वो टू लेन है, तीसरी गाड़ी नहीं वहाँ चल सकती। पता नहीं हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, क्या किया इन्होंने 70-75 साल में, किधर ले गए इतना पैसा, टैक्स भी इकट्ठा कर करके कर्जा भी ले लेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये हम फाइल इंटर हो चुके हैं। मैं यहाँ से राइट टर्न लेके अंदर पार्किंग की तरफ जाऊँगा, गाड़ी मैं कहीं पार्किंग में लगाऊँगा। ये सारा फाइल का बाजार है जहाँ हम आ गए हैं। पेप्सी उतार रही है।